देखिए, जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। ना तो वहाँ कोई हाईकमांड का कोई प्रभाव है, ना ही वहाँ आम कार्यकर्ताओं की कोई पूछ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, पदाधिकारी रहा हूँ, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी आज से 20 साल पहले थी वो तमाम रूप से आज जर्जर हालात में हो चुकी है पूरे देश के अंदर। ना तो वहाँ समन्वय की कोई ऐसी दिखाई देती है कड़ी कि जिससे लोगों को जोड़ा जा सके। जो सीनियर हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं उनके साथ कभी भी हाईकमांड ने कोई चर्चा करने का प्रयास नहीं किया, और एक राज्यसभा में एक ऐसे व्यक्ति को थोप दिया गया जो व्यक्ति हिमाचल के हितों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ता हो। और यही कारण था कि उनके प्रति जो है जनता के बीच में बहुत रोष था, और उस रोष को हमने मद्देनजर रखते जो हैं हिमाचल प्रदेश के ही व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने में उचित कदम उठाए। बिल्कुल 100% लड़ेंगे। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी का बहुत लैक रहा। उन्होंने पिछले 1.25 साल में कभी भी विधायकों के साथ जो एक संगठनक की जो गतिविधियां होती हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की कभी। चाहे वो लोकसभा के चुनाव थे जो 6 महीने पहले जिसकी तैयारियां हो जानी चाहिए थी, उसके बारे में कभी भी ना तो हाईकमांड गंभीर दिखा और ना ही प्रदेश की सरकार और ना ही प्रदेश का संगठन। अपने संक्षेप में जो घटनाक्रम बताया है इसके पीछे जो पेचीदे लीगल पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना और उनके ऊपर आगे आने वाले वक्त पे विस्तार पूर्वक चर्चाएं होना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक हम बात करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गारंटीड टू अस, जो एक माननीय विधायक को जो राइट दिया जाता है कि अपने कॉन्सेंस के हिसाब से वोट करना, हमने तो सिर्फ उसी राइट को जो है हमने कहीं ना कहीं यूटिलाइज करा था। हमने प्रदेश हित में हिमाचल की हिमाचलियत को बचाने के लिए माननीय हर्ष महाजन जी के पक्ष में जो है ये वोटिंग करी थी, और उसके बाद जो कहीं ना कहीं अवैध रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, चाहे हमारी सदस्यता को लेने की बात करी गई हो, हमारे खुद के प्रियजन उनके ऊपर FIRs हुई, बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है हमारे ऊपर जो दुष्टाचार हुआ, जो एक प्रक्रिया हमें एक जो है कहीं ना कहीं वेंजफुल पॉलिटिक्स पिछले 25 दिनों में जो है देखने को मिली हिमाचल प्रदेश में, बहुत ही दुर्भाग्य है। और हमने सोच समझ के 6 विधायकों ने जो है निर्णायक कदम लिया है, और मैंने गगरेट की जिस निर्वाचन क्षेत्र को मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ की जनता को आवाज़ को सुनते हुए उनकी महत्वाकांक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया है। देखिए, जिस आप एक मुहिम का हिस्सा होते हैं और उसमें आपने अपना जो है इतना खून पसीना लगाया होता है, एक बारी जब आप चुन के आ जाते हैं, अगर आपकी सोच को, अगर आपकी आवाज को दबाया जाएगा और आपको जो है कहीं ना कहीं साइडलाइन करा जाएगा, तो उसमें आपके खुद के जो है खुद का जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका तो लॉस है ही, परंतु उसमें आपकी जो जनता आपको चुन के आती है उनका बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि मैं आप जैसे 16,000 वोट से जीत के आया, मैं सबसे युवा विधायक हूँ आज की डेट में हिमाचल प्रदेश का, वहाँ के जो लोग हैं अपेक्षित हैं ये तो उनकी अपेक्षाओं पर जो है कहीं ना कहीं पानी फेरा गया है। तो हमने जो है ये कदम देश हित में, प्रदेश हित में अपनी जनता की आवाज़ को बरकरार रखने के लिए, और जो हमने मुहिम उठाई है जनता के सर्वांगिक विकास के लिए, खासकर हमारे युवाओं की और महिलाओं की आवाज़ को उठाने के लिए, उसके अंतर्गत ये जो हमने निर्णय लिया। देखिए, ये तो मैं कोई इस पर भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। हम यहाँ सत्ता लोभ के लिए नहीं है, हमने यहाँ पर जो कदम लिया है अपनी कॉन्शियंस के आधार पर 6 लोगों ने लिया है। आगे आने वाले दिनों में बाकी के माननीय विधायक क्या कदम लेते हैं, भगवान क्या परिस्थिति बनाता है, प्रदेश के हित में क्या परिस्थिति बनती है, तो टाइम ही बताएगा। बट आई एम वेरी श्योर कि ऑल 9 ऑफ अस, इफ वी आर टू गो टू इलेक्शन, वी विल ऑल विन आर इलेक्शन। बीजेपी विल फॉर्म अ वेरी स्ट्रांग गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश, एंड जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा भी जाएगा। और जिस तरीके से यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में जो है एक विजन और मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं, उसी की छाप जो है हिमाचल प्रदेश में भी छोड़ी जाएगी, और उसी मुहिम का भी हम सभी जो है एक छोटा सा हिस्सा बनेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।